और पानी हम देते तो हम ये देखते नहीं कि पौधे की कंडीशन क्या क्या, हमको पानी देना चाहिए। देखिए ये छोटे से पॉट में है, ये पॉट के अंदर है, मैंने लगा रखा है वैसे ज़मीन पे, ग्राउंड फ्लोर पे पार्क में है लगा रखा मैंने लॉन पे, लेकिन मैंने इसमें लगा रखा पॉट में। देखिए इसकी ग्रोथ देखिए और इसकी फ्लावरिंग देखिए, ये लाल कनेर है, देखिए कलियों में फूल आते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं इसके। देखिए किसी भी उस पर देख लीजिए, इस पर जड़ गए जैसे किसी में देखिए। तो इसमें क्या है कि इसके ऐसे पौधों को रखने के लिए हमको पानी का विशेष ध्यान रखना, फर्टिलाइजिंग का ध्यान रखना और धूप का ध्यान रखना। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, देखिए जब भी हम किसी पौधे को पानी देते हैं सबसे पहले मग या जग जो है पानी लेके घूमिए और देखिए पौधे की मिट्टी देखिए सबसे पहले जाती, ये नहीं कि सब गमलों में पानी डालना, एक बार गमलों को देखिए जैसे इसको देखिए, देखिए मिट्टी बिल्कुल गीली है, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और दिया तो ये जड़े 100% गल जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा एक घंटे पहले अभी दिया है मैडम जी ने दिया श्रीमती जी। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पानी जैसे किन पौधों में देना चाहिए। देखिए जैसे एक गंदा लगा हुआ है ज़मीन पे, देखिए मिट्टी इसकी सूखी हो गई है, कुछ कुछ गीली भी, आप इसमें दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, दोनों है, दे दे तो अच्छा है। देखिए अभी मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ, देखिए देखिए ये मिर्ची की लगा रखी है मैंने, लगा रखी है बची हुई, अभी बच गई है तो मैं कपों में लगा देता हूँ, ऐसे लगाता शुरू से नर्सरी से लग, इसमें बहुत ज़रूरी है। देखिए देखिए इसकी मिट्टी देखिए, अपने आप पता लग जाता है कि इसमें 100% पानी की ज़रूरत है। देखिए इधर देखिए ये गेंदे की पौध लगा रखी है मैंने लगा दी है, बचे हुए हैं तो मैंने इसमें लगा रखे, देखिए मुरझा गए। तो इसमें क्या है एकदम दिमाग में आ गया, देखिए इसको देखिए ऐसे लटक रहा है ऐसे, मतलब मुरझा गया होगा बिल्कुल, ये मुरझा गया है और इसमें बहुत ज़रूरी है पानी देना, नहीं दिया जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन बिल्कुल पानी देते ही 100% ठीक हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसी में आगे। देखिए मतलब इस अवस्था में 100% पानी देना चाहिए और मैं कहता हूँ कि 15-20 दिन में, 10-15 दिन में पौधों को एक बार इस अवस्था में ले आए, इससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, पर अब है जितनी इतनी या इससे थोड़ी कम हो, इस अवस्था में ज़रूर लेके आए। उससे क्या होता है पौधे अपने उसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब बना लेते हैं, स्ट्रोंग बना लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये पालक लगा रखी है मैंने, पालक में देखिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके लगाने का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, मैंने सीडलिंग ट्रे है उसके अंदर लगाई थी, इस सीडलिंग ट्रे में, उसके बाद यहाँ रोपित किया, इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। देखिए कितनी प्यारी प्यारी, इसका अलग से करूँगा घर में। देखिए पानी की बता रहा हूँ मैं, देखिए पानी की, जैसे ये हमारे तुलसी जी हैं, देखिए सूख गया क्लियर दिख रहा है, देखिए मिट्टी को उठाइए कैसे ये एग्जैक्ट एकदम सही उसमें है, एग्जैक्ट इस स्थिति में आने पे हमको पानी दे देना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिट्टी ये है इतनी घुसाई, देखिए इसका मतलब ये लगभग सूख गई है, थोड़ी थोड़ी नम है पर सूख चुकी है, इसका मतलब इसको पानी की ज़रूरत है। यदि इससे ज़्यादा सूख गई है और भी बिल्कुल हो गई है, एक के बजाय 2-3 इंच मतलब गहरी मिले, तो इसका मतलब उसको पानी की बहुत ज़रूरत है, 100% उसको दे दीजिए। अभी दिखाता हूँ मैं, देखिए देखिए गेंदे की नर्सरी है, ये मैं तैयार करता रहता हूँ,
मैंने लगा रखा है, फिर भी मैं करता रहता हूँ अपने अगले जैसे नेक्स्ट साइकिल के लिए। जैसे पूरी सर्दी में फूल लेता रहता हूँ कुछ न कुछ, जैसे गेंदा भी लगा दिया तो जब ये फ्लावर देगा एक डेढ़ महीना देगा, उसके बाद ही इनको निकाल दूंगा, दूसरे गेंदे इनको रोपित कर दूंगा उन गेंदों की जगह। तो ये फिर ऐसे देंगे, फिर देखिए छोटे भी, अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए इस गेंदे में देखिए, देखिए बिल्कुल मुरझा चुके हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ मरे नहीं है। ये स्थिति लानी नहीं चाहिए, लेकिन सुबह पानी दिया था, कम दिया, मतलब यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, कब छोटे छोटे देखिए। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि पानी देने के बाद तुरंत कितनी अच्छी तरह ये खड़े हो जाएंगे, मैं इसमें दिखाता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ।